तब अभी आपने डीएलएफ के साथ साथ रियल एस्टेट के एक और नोटिस करवाया सेक्टर, वो था आईटी। आपको ऐसा लग रहा है कि आईटी के अंदर बाइंग आएगी? सर उसके रीजन गिनवा सकते हैं कि क्यों आएगी और उसमें से शेयर कौन सा चलेगा? कल कल आपने शायद देखा हो तो 3.5% वापस एप्पल वॉज अप और एप्पल इज अगेन हिटिंग न्यू हाईज। 7 स्टॉक्स इन द नैसडैक हैव लेड टू 58% रैली इन द लार्ज इन द आईटी बास्केट और द नैसडैक आउट परफॉर्मेंस। दूसरी बात, डिस्पाइट मार्केट्स बीइंग एट रिटायर हाई, रुपी इज ओवर देयर ओनली, इनफैक्ट रोज 2 पैसा वीक होता है। और थर्डली, आईटी में जिस तरह से हमारे यू नो ट्रांसेंडिंग हुई है वार्क और आर कंपनीज, दे हैव बीन कैश जनरेटर्स। मुझे लगता है आईटी इज नाउ गोइंग टू पार्टिसिपेट। और मुझे दोनों एलएनटी के शेयर्स, एलटीआईएम और एलटीटीएस, ये दोनों बहुत रीजनेबल है अलॉन्ग विद परसिस्टेंट। मिड कैप आईटी पे पैसा डालिए, एलटीटीएस इज माय टॉप पिक, एलटीआईएम एंड परसिस्टेंट। ये तीनों शेयर यहां से 20-20% भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं।